वेलकम बैक। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट देव राजपूत हमेशा की तरह अपनी लविंग वाइफ के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एंजॉय दिल से। तो दोस्तों आज का व्लॉग होगा लंबा। जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो दोस्तों बिना स्किप किए पूरा व्लॉग देखिए दोस्तों, तभी समझ में आएगा आज का व्लॉग, वो भी दिल से। क्योंकि दोस्तों आज का व्लॉग जो है एक दिन का नहीं, दो दिन का है दोस्तों, बल्कि समझ लीजिए ढाई दिन का है। दो दिन का, ढाई दिन का मतलब, क्योंकि ढाई दिन बाद हम आ रहे हैं यूट्यूब पर, वो भी दिल से। और आज आपकी लिपस्टिक बहुत जबरदस्त लग रही है। अच्छी लग रही है, बहुत जबरदस्त। तो ये नया कलर है, ये जो अभी मुझे शॉपिंग करके दिलवाया वो। जी, कुछ शॉपिंग नहीं करवाई है मैंने, दो कलर मिलाकर एक कलर बनाया है। और कल ऐसे मुंह बनाने से क्या होगा, कल हम जाने वाले हैं शॉपिंग पर, प्रॉमिस हो गया। और कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं यार, आप फंसवा देते हो मुझे यार हमेशा यार। हाँ, ऑन कैमरा आप खुद ही फंसते हो। और क्रिसमस पे भी कहीं जाने की तैयारी है, उसका आप लोग कीजिए इंतजार। करते हैं आज का व्लॉग शुरू, वो भी दिल से। एंजॉय। मंगलवार की रात और नोएडा से हम हैं आपके साथ। तो दोस्तों देव राजपूत का सतरंगी नमस्कार। तो दोस्तों नोएडा की रात है बहुत ही खूबसूरत और हसीन, और आप मेरे साथ चलेंगे घर पर, क्योंकि दोस्तों आज बन रहा है कुछ स्पेशल। तो चल कर देखते हैं, वो भी दिल से। जी हाँ दिल से। आज है मंगलवार और दोस्तों वाओ, और जो दोस्तों आज रेसिपी बना रही ना मिसी राजपूत, वो बना रही दोस्तों बहुत ही जबरदस्त। और दोस्तों हम लोगों की बचपन की बोले तो फेवरेट रेसिपी। और दोस्तों ये बनती थी दोस्तों हमारे पड़ोस में, और हमेशा एक कटोरी इधर से एक कटोरी उधर से, तो दोस्तों ये चलता रहता था दोस्तों। तो चले किचन में, तो चले किचन में। अरे बेगम किचन में आप अकेले जी, हमें भी बुला लेते जी। नहीं क्या जरूरत है, सिर्फ आलू बनाने के लिए हस्बैंड की, इन्हें सिर्फ आलू मत कहो भाई, मैजिक मसाला भी मंगाया है, काली मिर्च सनफ्लावर ऑयल में डाली है मैंने काली मिर्च, आप अपना यूज कीजिए कोई भी ऑयल, और सरसों के तेल में और भी बढ़िया बनती है। मसाले पहले से तैयार जी, और अभी मैं डालूंगी इसमें जीरा, और जीरा भी आलू में बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है और खुशबू भी देता है। बिना जीरे के आलू कभी कभी नहीं भी होता, तो बिना जीरे के भी बनाते हैं। अभी डालूंगी मैं काली राई, काली राई जी, आजकल मैं काली राई यूज कर रही हूँ। आप कह सकते हैं कि वेट लॉस के लिए भी होता है, और आलू में बड़ी अच्छी सी लगती है, अचार का सा कुछ टेस्ट आता है इसमें, खट्टी खट्टी लगती है बाद में, तो वेट लॉस अच्छा, कहते हैं राई से। हम भी नोटिस करेंगे। और ये मैंने डाली अदरक, वाओ जी ने तमान की जुल्फे जी जी जी, और इसको फ्राई करना अच्छे से, बहुत ब्राउन। और अब डालूंगी मैं प्यारे प्यारे लहसुन, इनको ज्यादा नहीं फ्राई करना है, पिंक ही रखना है इन्हें। और अभी डाल दूंगी प्याज, प्याज क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि दाल में ब्राउन लहसुन अच्छे लगते हैं और बाकी सब्जी में नहीं। और इस समय जो खुशबू आ रही है ना मसालों की, ओए होए, जब तेल में मसाले भूनते हैं तो खुशबू अपने आप ही आती है ना। और ये आज हमें तो आपसे भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या लगाया आपने? मैं लगाती हूँ बॉडी लोशन, कौन सा है मेरा बताऊँ, मेरा संतूर का अभी समय है मेरे पास, वैसे मैं बोरो प्लस का मंगाने का अभी मेरा दिल है तो। अच्छा हमने तो अपना हाँ, साबुन लगाया, उसमें से खुशबू आती कि नहीं आ रही, वो फिर कभी बताऊंगी, अभी मैं ये बता रही हूँ कि इसमें खाने में अभी डालेंगे मसाले टमाटर के साथ। तो ये इस तरीके से अगर आपका भी ध्यान कोई ना कोई बटाता है या हटाता है खाने पे, तो खाना खराब हो भी सकता है, इसलिए किसी को किचन में ना खड़ा होने दें। जो जैसे साफ साफ नो एंट्री कर रहे हो भाई जी, जैसे कि मुझे परेशान किया जा रहा है। और ये देखिए मैजिक मसाला मैं इस समय डाल रही हूँ। अब ये आज इनकी पसंद की सब्जी कह लीजिए, क्योंकि बचपन में ऐसी सब्जी खाया करते थे मुझे, एक कटोरी इधर से एक कटोरी उधर से जी, पता नहीं मुझे, लेकिन अब ये आलू को मैं बड़े ऐसा बड़े लगा जैसे मेरा दिल तोड़ दिया यार आपने। इतना मत करो यार आलू के साथ। तो आलू को मैश किया मैंने हल्का हल्का,
मतलब हल्का सा प्रेशर दिया, दिल तोड़ा है थोड़ा सा। इसे पता हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? इसे हमारे यहाँ बोलते हैं आलू का झोल। झोल मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ कभी नहीं बनता था, मैंने यहीं आके सीखा है। हमारे आलू का झोल नहीं बनता था, हमारे आलू ही बनते थे। भाई आप बड़े लोग हो भाई, हम छोटे छोटे लोग हैं। हमें पराठे बना के खिलाओगे? चकोर। चकोर जी। तो आज बनेंगे स्केयर पराठे। और मेरा तवा जल गया है, जैसा कि देहरादून ब्लॉगर का भी जल गया तवा, और आ गया उनका नया, तो नया हम भी तो हम भी लाएंगे भाई जी। और मैंने तवा लिया भी था, लेकिन उसमें पता नहीं क्या वो अजीब तो सा हो गया। खाना हो गया तैयार, आलू का झोल और गर्मा गर्म पराठे, वो भी दिल से। और तो ये फेवरेट जी, फेवरेट जल्दी करते हैं। आज टेस्ट आया बिल्कुल जैसे व्रत वाली सब्जी। वाह, सब्जी रखी है चिकन नहीं बाबू, आलू 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 है, आलू है। नहीं बेटा नहीं खाएगा, नहीं खाएगा ना बाबू, नहीं खाएगा ना बाबू, नहीं खाता ना बाबू, नहीं खाता। रात का समय मैं और यानी कि हमारा शीरो निकले नाइट वॉक पे दोस्तों। और नाइट वॉक पे दोस्तों हमारे हिंडन विहार में दोस्तों जिम है, और लोग फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। और रात के 9:30 बजे दोस्तों जिम में कसरत कर रहे हैं अपनी फिटनेस के लिए। तो दोस्तों हम तो कर रहे हैं नाइट वॉक और ये कर रहे हैं कसरत, तो इनको कसरत करने देते हैं और हम करेंगे नाइट वॉक। क्योंकि दोस्तों कल सुबह जब होगी ना तो आपको देखने को और बहुत प्यारी चीज मिलेगी दोस्तों, तो वो भी दिल से। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त देव राजपूत आप सभी को कहता हूँ सतरंगी गुड मॉर्निंग, वो भी दिल से। तो चले लीडरी करने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। चीयर लीडर, वॉकिंग करो वॉकिंग, इम्यूनिटी के लिए योगा ही बेस्ट है। सागर भाई साहब ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, दिखाऊं मैं? ये एक मिनट डैड, आप सही है। अरे देखा देखा, और मॉम आप भी और नहीं भी, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ सही न्यूट्रिशन भी जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसीलिए एंश्योर जिसमें है हाई प्रोटीन, जिंक और विटामिन सी जैसे 11 इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी। कारपेंटर बना रहा है हमारे बेटे के लिए, साहबजादे के लिए अलमारी। और ये जो गाड़ी आ रही है दोस्तों ये फ्लिपकार्ट से आ रही है दोस्तों। और हमारी वॉशिंग मशीन आ गई है दोस्तों, आपने सही पहचाना दोस्तों, सेंसुई की है। तो पुरानी वाली को ले जाएंगे और नई वाली देके जाएंगे। भाई साहब मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारी पुरानी जो वॉशिंग मशीन है वो एक्सचेंज ऑफर में जा रही है दोस्तों, और सेंसुई की है दोस्तों, सेंसुई का हमारा फ्रिज है। तो दोस्तों पुरानी वाली गई और नई वाली आई। मैं फिर से कह रहा हूँ ना भाई साहब कि उसको भी मैंने बड़े प्यार से भेजा है, क्या कह के दिल से। वॉशिंग मशीन आने के बाद दोस्तों खुशी तो है, खुशी अपनी सेलिब्रेट करेंगे KFC के साथ। तो KFC से क्या आया भाई, देखना पड़ेगा, क्योंकि आज तो वेडनेसडे है ना भाई। और वाओ, मोमोज पिज्जा, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों। और साथ में लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप, बड़ा ही जबरदस्त और खूबसूरत नजारा है दोस्तों आज की शाम का। तो दोस्तों सर्दियां एंजॉय कर रहे हैं शाम को, और सर्दियां और चिकन ना बने किचन में है ना, तो फिर बाजार से आ जाते हैं। तो दोस्तों आ गया ना दोस्तों चिकन लॉलीपॉप, और ये बहुत टेस्टी है सच में, बिना खाए बोल रहे हो टेस्टी है जी। ये मतलब देखने और ये देखिए आंखों से कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो दोस्तों वेज वालों के लिए वेज, नॉन वेज वालों के लिए नॉन वेज, और ये है डोनट्स। वाओ खूबसूरत खूबसूरत डोनट्स, ये मॉड के हैं। और इसमें जो क्रिसमस का आजकल वो चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, थीम चल रहा है उसके ऊपर बना रहे हैं, और थीम पर बहुत जबरदस्त है भाई। और ये स्पेशल लाता है बेटा मॉम के लिए और गुड़िया के लिए। तो आज क्या लाता है, ये मॉम की मॉम को बहुत पसंद है इसलिए वो लेके आता है हमेशा मीठा। तो ऐसा बच्चा सबका हो, भगवान सबको ऐसे बेटे दे, बिल्कुल, और बेटियां भी दे बिल्कुल। और वो बताती है मम्मी के लिए ये लाना है, पापा के लिए ये लाना है। तो बच्चे, आप लोगों के बच्चे भी इसी तरह बहुत प्यार करें आपको, ये दुआ है हमारी। आमीन सुम आमीन जी। तो दोस्तों आप तो समय हो गया है दोस्तों है। चिकन चंगेजी खाने का जो बनाया मिसेज राजपूत ने घर में, मैंने नहीं बनाया है, अच्छा? ये आप लाए हो। अरे यार आज मैंने नहीं बनाया है, ये आप लाए हो। सच में मैं लाया हूँ? हाँ दोस्तों ये सच है कि ये मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। हमारा दूसरा है, क्योंकि दोस्तों हमने भी बनाया लेकिन हमने जो सच है वही कहेंगे ना आपसे।
मैंने तो अपना रखा नहीं, ये मैंने आप जो लाए वो रख दिया। बहुत ही जबरदस्त है, दिल से। गाइस ऊपर वाले से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी हमारी तरह एंजॉय कर रहे होंगे सर्दियों में फैमिली में, और सारा घर का काम करने के बाद ठंड लग रही है, और अभी बजे हैं सिर्फ 8, है ना? बिल्कुल 8 बजे भी इतना हो जाता है कि ठंड बहुत लगती है ना। और मैं तो प्लानिंग बना रही थी कि बर्फ वगैरह में घूमने की, मुझसे तो घर से बाहर भी नहीं निकला जा रहा। नहीं आप, तो आप सोच लीजिए, अगर आप में बर्फ में जाना चाहती है ना, तो पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और तैयार कीजिए उस माहौल के मुताबिक, और फिर आपको पता चलेगा कि बर्फ होती क्या है। क्योंकि हमने तो बर्फ देखी है, शिमला में नहीं देखी, हमने शिमला के अंदर और शिमला के ऊपर तो रिकांग की तक देखी, चाइना बॉर्डर तक। हाँ तो मुझे तो बर्फ पसंद नहीं है दोस्तों, वो फिल्मों में अच्छी लगती है दोस्तों। तो फिल्मों का शूट करने अगर आपका मूड है तो चलिए मेरे साथ। वो कैसे करती हैं काजोल की शिफॉन की साड़ी पहनकर बर्फ में? मेरा भी बहुत दिल करता है। तो अगर आपका दिल करता है तो आपको ले जाएंगे बेगम साहिबा, और 2 मिनट का शूट करने के बाद आपको ओवरकोट पहना देंगे बड़ा सा और गर्मा गर्म, और फिर आपको चिकन खाना पड़ेगा, आपको चाय पीनी पड़ेगी, आपको सूप पीना पड़ेगा, और तब जाके ठंडक कम होगी। बाकी में ऐसे भी गर्म हम लोग क्या कहते हैं बहुत सारी गर्म चीज़ें खाते हैं, शायद हम सर्वाइव कर पाए, है ना? तो दोस्तों आज का ब्लॉग वाकई में हो गया लंबा, तो अब लेते हैं और आप लोगों को नहीं करते हैं ज्यादा परेशान। और दोस्तों हमें तो रजाई से बाहर निकलने का मूड नहीं है, तो इसलिए और अभी रात के बर्तन ऐसे ही रखे हैं, लेकिन अब वो नहीं धुलेंगे, मेरे बस के नहीं है। अब सुबह अब फिर लोग बोलेंगे कि रात के बर्तन तो रात को धोने चाहिए। कौन लोग बोलेंगे? नहीं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि रात के बर्तन रात को धोने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो हो रहा लंबो, हम लोग अपना सेटलमेंट कर लेंगे दोस्तों। जो लोग बोलते हैं रात को वो धोते हैं, तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि रात के टाइम धोना चाहिए तो दोस्तों भाई हाजिर है, भाई धोएगा। तो दोस्तों तब तक ले दोस्तों, शब खैर, शुभ रात्रि, एंजॉय दिल से, गुड नाइट। जिंदगी के सफर में